नेहा जैन शिमला। और हमने कहा है, पूछा हमारा श्री, पुण्य कितने प्रकार का होता है, पुण्य कितने प्रकार का होता है। तो वैसे तो पुण्य के अनेक प्रकार होते हैं, लेकिन फिर भी जो है मैंने एक दिन शायद बताया था कि जो है पुण्य जो है वहाँ जो पुण्य और पाप के बारे में बताया था, एक जो है पुण्यानुबंधी पुण्य होता है और एक पुण्यानुबंधी पाप होता है, एक पापानुबंधी पुण्य होता है और एक पापानुबंधी क्या होता है, पाप होता है। पापानुबंधी पाप, पाप के उदय में हमें हमारा जन्म हुआ और जन्म हुआ लेकिन कुछ भी नहीं मिला, खोटी गतियों में जन्म हुआ और कुछ भी हमें जो है जो हमारी आवश्यकता है उनकी पूर्ति नहीं हुई, दरिद्र हुआ, गरीब हुआ, रोगी आदि हुआ, और पाप के उदय से, और उस पाप के उदय से जो ऐसा हुआ और उसमें भी व्यक्ति पाप कर रहा है, क्या कर रहा है, उसमें भी व्यक्ति पाप कर रहा है, ये क्या है, पाप के उदय में पाप, पापानुबंधी पाप। एक पाप का उदय हुआ, गरीब व्यक्ति है, लाचार है, परेशान है, दुखी है, लेकिन फिर भी वह भगवान को याद कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, यथा योग पूजा आदि कर रहा है, यथा योग मुनियों को दान भी कर रहा है। तो पाप का उदय चल रहा है, उसे सुख सुविधाएं नहीं मिली, आवश्यकता की वस्तु नहीं, लेकिन फिर भी उसके भाव पवित्र हैं, धर्म की क्रिया कर रहे हैं, धर्मात्माओं की संगति में रह रहा है, तो ऐसा वह पापानुबंधी पुण्य हो जाता है। तीसरा तो है पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय होता है तो व्यक्ति पुण्य की वजह से अच्छी गति प्राप्त हुई, अच्छा कुल प्राप्त हुआ, अच्छा धन प्राप्त हुआ, अच्छे स्थान में जन्म हुआ और अच्छे अच्छे कार्य भी कर रहा है, पूर्व के पुण्य की वजह से आज अच्छा सब कुछ मिला है और आज भी अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है, खूब दान पुण्य पूजा पाठ व्रत नियम संयम तीर्थ यात्रा आदि कर रहा है, और उससे क्या हो रहा है, वह आगे भी उसे पुण्य की सामग्री मिलेगी, पुण्य फला अर्हंता, उदम पुण्य करते जाते हैं तो हमें अरहंत पद की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन आज वर्तमान में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, पुण्य तो करना ही चाहते हैं, पुण्य करना ही चाहते हैं, वो बोल चाहते हैं कि हमें अरहंत पद की प्राप्ति हो जाए, दुनिया की सारी हमें जो है सुख मिल जाए, सारे सुख मिल जाए, और पुण्य कार्य करना ही चाहिए तो वह प्राप्त होने हैं। तो इसलिए आप पुण्य के उदय में आप अच्छी कुलवादि बन हुआ है तो पुण्य कार्य करें, तो पुण्यानुबंधी पुण्य है और एक पुण्यानुबंधी पाप। पुण्य के उदय में व्यक्ति पूर्व में उसने व्रत नियम संयम पालन किया था, पुण्य का उदय आया, अच्छी गति मिली और अच्छी गति मनुष्य आदि गति मिली हो सकता है, और उसमें उसे इन जो जो नारायण प्रतिनारायण या चक्रवर्ती आदि जैसा पति मिल जाए, राजा महाराजा बन जाए, लेकिन बनने के बाद वह पाप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, धर्म से दूर हैं, धर्मात्माओं से दूर हैं, तो वह पुण्यानुबंधी पाप है, पुण्य के उदय से आज तो मिल गया लेकिन आगे मिलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से हमें जो है जानना चाहिए। संभव जैन गवारी।